हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। आज हम आपको सुनाएंगे बोध कहानियों की, जो सदाचार, न्याय और करुणा की शिक्षा देने वाली महात्मा बोध की कहानी। तो हमारी कहानी का नाम है निर्दयी सास। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक शिक्षा देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है निर्दयी सास। एक सास थी, स्वभाव की बहुत ही दुष्ट थी। वहीं दूसरी ओर उसकी बहू बहुत ही सुशील व नेक थी। सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। वह उसकी हर बात में एक ना एक दोष जरूर निकालती थी। भोर से आधी रात तक वह बहू से गुलामों की तरह काम करवाती थी। एक मिनट के लिए भी उसे सांस तक नहीं लेने देती थी। बहू काम कर रही होती थी तो वह उसके ऊपर खड़ी होकर लगातार ताने कसती रहती थी। वह खटते खटते ही यही सोचती रहती थी कि जाने किन पापों के फलस्वरूप ऐसी निर्दयी सास उसे मिली है। एक दिन बहू ने झाड़ू लगाना व बर्तन मांजना समाप्त ही किया था कि सास बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू आराम करने ना बैठ जाना, कामचोर कहीं की। मेरे जाने तक खाना तैयार मिलना चाहिए, और हाँ, खाना हिसाब से बनाना, फालतू नहीं बनना चाहिए, यहाँ तेरे बाप का माल नहीं है। सास फिर चली गई और उसकी बहू तुरंत खाना बनाने बैठ गई। अगर सास को लौटने तक खाना तैयार ना मिलता तो वह आसमान सिर पर उठा लेती, बहू की सात पुस्तों को फिर कोस डालती। वह खाना बनाकर निवृत्त हुई थी। एक साधु आया और खाना मांगने लगा। बहू के मायके में कभी भी किसी साधु महात्मा को बिना खाना खिलाए पिलाए नहीं भेजा जाता था। उसने सोचा कि साधु को अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ, मैं भूखी रह लूँगी और क्या। ऐसा विचार कर उसने साधु को बिठाया और खाना परोसा। साधु ने खाना आरंभ ही किया था कि सास लौट आई। साधु को खाना खाते देखकर वह आग बबूला हो उठी और बोली, आह, मैं इधर उधर नहीं हुई कि तूने भूखों को खाना खिलाकर अनाज बर्बाद करना शुरू कर दिया। हमारे घर में क्या हराम का माल है? बहू ने विनती की, माँ जी ऐसा ना कहिए, साधु महाराज को मैं अपने हिस्से का खाना दे रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, कोई अनाज बर्बाद नहीं हो रहा है। तभी वो निर्दयी सास उस पर गरज उठती है और बोलती है, बड़ी आई हिस्से वाली। फिर वह साधु से बोली, भुक्कड़ भाग यहाँ से, कोई और लंगर देख। साधु खाना छोड़कर चला जाता है। साधु के जाने के बाद सास ने बहू को घर से निकाल दिया। बहू के लाख विनती करने पर भी सास ने उसकी बात नहीं सुनी। बेचारी बहू ने सास से बहुत विनती की, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, परंतु निर्दयी सास का दिल नहीं पसीजा। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा पीट पीट कर बहू थक गई तो वह एक ओर लड़खड़ाती रोती हुई चल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। उसे मायके पहुंचने में कई दिन लगते थे, लेकिन वह उसी रास्ते चल दी और क्या करती। तभी अचानक से जोरों की वर्षा होने लगती है। बहू वर्षा से भीगने से बचने के लिए एक वृक्ष के कोठर में घुसकर बैठ जाती है। उस पेड़ पर दो राक्षसियाँ रहती थीं। कुछ ही देर बाद वे वृक्ष पर भी लौट आती हैं। एक बोली, अरे यहाँ तो बड़ी तेज से वर्षा हो रही है, हमें जुखाम ना हो जाए। दूसरी बोली, तो चल स्वर्णदीप चलते हैं, वहाँ धूप खिली होगी। उनके जादुई मंत्र पढ़ते ही वृक्ष हवा में उड़ने लगा। बहू ने वृक्ष को उड़ते देखा तो घबरा गई। ऊपर टहनियों पर राक्षसियाँ बैठी हुई थी। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने कोठर से दुबक कर बैठने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद पेड़ उन सब को लेकर स्वर्ण द्वीप पहुँच गया। राक्षसियाँ तो सैर करने के लिए हवा में उड़ती हुई वृक्ष छोड़ कर चली गई। बहू ने कोठर से बाहर झांक कर देखा तो वह दंग रह गई। सारा द्वीप सुनहरी जगमगाहट से चमक रहा था। वह बाहर निकल आई और उसने रेत उठाकर देखा। रेत में सोना ही सोना था। उसने अपने आंचल में जितनी सोने की रेत उठाई जा सकती थी उतनी उठाकर आंचल बांधकर कोठर में दोबारा जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद राक्षसियाँ लौट आईं और वे पेड़ को उड़ाकर वहीं ले आईं जहाँ से वे चली थीं। राक्षसियों के जाने के बाद बहू बाहर आई और
अपने घर की ओर दौड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि सोना देखकर उसकी लालची सास मान जाएगी और उसे दोबारा अपना लेगी। घर पहुंचकर उसने सास को सारी कहानी सुनाई और अपना आंचल खोलकर सोने की रेत दिखाई। सास ने हाथों में रेत को लेकर देखा तो वह चौंक गई, फिर बहू को ताना देने लगी और उसे कोसने लगी और बोली, अरे कामचोर, बस इतना सा सोना उठाकर लाई, जब मौका मिला था तो ढेर सारा ढोकर लाती, अक्ल हो तब ना, बोझ तो उठाने में तेरी नानी मरती है। फिर सास ने 3-4 बोरियां उठाई और बोली, मैं दिखाती हूँ तुझे कि कैसे सोना लाया जाता है, जरा मुझे बता वह पेड़ है कहाँ। बहू ने ले जाकर सास को वह पेड़ दिखा दिया। सास बोरियां लेकर वृक्ष के कोठर में जा बैठी और कुछ देर बाद राक्षसियाँ सैर कर अपने पेड़ पर लौटी। एक राक्षसी ने कहा, आज मछली खाने का बड़ा जी कर रहा है, चल मछली द्वीप चलें। तभी दूसरी राक्षसी ने मंत्र पढ़ा और पेड़ उड़ चला। कुछ ही देर में पेड़ मछली द्वीप पहुँचा। मछली द्वीप में चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। राक्षसियाँ तो मछली खाने के लिए द्वीप के दूसरे इलाके में चली गईं। सास कोठर से बाहर आई और बाहर पैर रखते ही मछलियों पर उसका पैर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ी। मछलियों की बदबू से उसका सिर चकरा रहा था। किसी तरह वह गिरती पड़ती और राक्षसियों को कोसती वापस कोठर में आ बैठी। कहाँ तो वह सोना बटोरने आई थी और कहाँ उसे खोटा सिक्का भी नसीब नहा हुआ। राक्षसियों के उड़कर आने की आवाज़ आई तो सास कोठर से सिर निकाल कर चिल्लाने लगी, अरे निकम्मी राक्षसियों, तुम ये कहाँ ले आई, अभी जल्दी से स्वर्ण द्वीप चलो, मुझे सोना बटोरना है। सास की बात सुनकर राक्षसियाँ क्रोधित हो गईं। वह बोली, एक तो दुष्ट औरत हमारे पेड़ की सवारी करके हमें धोखा देकर यहाँ तक आ गई, दूसरा हमें बुरा भला कह रही है। दूसरी बोली, चलो अग्नि द्वीप चलकर इसको सबक सिखाते हैं। उनके मंत्र पढ़ते ही पेड़ द्वारा हवा में उड़ने लगा और अग्नि द्वीप की ओर चल दिया। कुछ ही देर बाद वह एक ऐसे द्वीप के ऊपर उड़ने लगे जहाँ नीचे आग ही आग थी। राक्षसियों ने पेड़ को उल्टा सीधा करना शुरू किया ताकि सास नीचे गिर जाए। जब राक्षसियों ने पेड़ को बिल्कुल उल्टा कर दिया तो निर्दयी सास कोठर से नीचे आग की लपटों में चिल्लाती हुई जा गिरी। राक्षसियों ने अट्टाहस लगाया और जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुष्टों को उनकी दुष्टता की सज़ा कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी की शिक्षा और आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और भी आपको ऐसी ही चाहिए बहुत की कहानियाँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मूलभूत सीख देने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।